हमने काइनामेटिक्स स्टार्ट किया था अपना लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और काइनामेटिक्स में हमने अभी तक पढ़ा मोशन और रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट का हमने कंक्लूजन निकाला था कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर द रिलेटिव थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस वी चूज, द ऑब्जेक्ट इधर इज इन मोशन और इधर इज एट रेस्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम ऑर्डिनरी सोचते हैं ना एक बार के लिए, तो हमें क्या लगता है और हम यही मानते हैं कि दोनों एक ही चीज़ होती होंगी, ठीक है। बट ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, एक पोजीशन है ए, ठीक है। यहां से हम पहुंच गए यहां पे बी पे, फिर हम चले गए सी पे। ओके, यहां हमारे पास ये था 3 मीटर, ये है 4 मीटर, क्लियर। देखिए ये जो हम चले यहां जहां से, वो हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है ये। ओके, ये इनिशियल पोजीशन है और जहां हम पहुंचे वो क्या है हमारा, ये फाइनल पोजीशन है। हमें एक्चुअली कहां जाना था, ए से चल के सी पे पहुंचना था हमें, ठीक है। तो हम ए से, हमारा जो रास्ता है वो किस तरह से है कि हम ए से चले बी पे पहुंचे, बी से हम सी पे पहुंचे, ठीक है। ओके, तो अब ये जो रास्ता फॉलो किया है, एक्चुअल में जो रास्ता, जो हमने पाथ फॉलो किया है ए से सी तक जाने में, वो वाया बी है ना। ये जो पाथ होगा, इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी हमारे पास, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन हुई, जैसे मान लीजिए हम रेंडमली यहाँ थे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ से हम ऐसे चलेंगे ऐसे, ठीक है, हम ना इस रास्ते से घूम के गए हैं, क्लियर। तो एक्चुअली हमने जो पाथ फॉलो किया ए से बी तक जाने का, ये वाला पाथ फॉलो किया। तो ये जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं एक्चुअल में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में, उसका कोई ना कोई लेंथ तो होगा ना, उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, जहां से चला और जहां तक गया, वहां तक जाने में जो उसकी एक्चुअल में पाथ की लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, इसको हम किससे लिख लेते हैं, देखिए डिस्टेंस को लिखने का एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, सिंबल जो मर्जी हम चूज कर लें इनमें से, ठीक है। वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा, मींस हमारे पास जो x आया वो क्या आया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। समझ में आई, हमने जो रास्ता फॉलो किया है, अब इसकी एक्चुअल लेंथ हमें, ये तो एक कॉम्प्लेक्स सा वो है ना, सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम इसका मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर वो पूछे तो डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर कोई मान लो पोजीशन ए से ऐसे चलता है और यहाँ पहुँचता है बी पे, तो ये जो रास्ता फॉलो किया गया है ना, यही क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे हम। जैसे मैं जिस चौक से लिख रहा हूँ, तो ये जो टिप या पेन, मान लो पेन होता है ना जिससे आप पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है,
और एक चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी कि इसमें जब भी हम बात करेंगे ना बॉडी की ऑब्जेक्ट की, देखो अगर ये हम बोले बॉडी या फिर बोले ऑब्जेक्ट है ना, इनका मतलब क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जिसके डाइमेंशंस नहीं है, ठीक है। डाइमेंशंस होंगे तो क्या होगा, वो सिचुएशन अलग आएगी, उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जब भी ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की बात करेंगे ना किसी भी क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में हम इसको क्या मान के चलेंगे, पॉइंट। इसके डायमेंशन ही नहीं होंगे। तो जो पेन की टिप होती है, जब हम उससे कुछ लिख रहे होते हैं ना, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पेन की टिप जो भी वहां पे मार्किंग कर रही है, ठीक है, लिखने में मार्किंग ही तो हो रही है ना, तो वो जितनी लेंथ की उसने मार्किंग की है, एक्चुअल में वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द टिप ऑफ द पेन। समझ में आई बात। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होती है ना, वो एक्चुअल में क्या होती है, जो रास्ता जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसकी एक्चुअल लेंथ। जैसे मैं यहाँ से चल के कहीं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, यहाँ से 3-4 किलोमीटर चल के, या आप अपने घर से चल के आपके स्कूल तक आते हैं, ठीक है, तो घर से स्कूल तक आने में या घर से मार्केट तक आने में आप अपना स्कूटर लेके ना आए, तो आपने कोई ना कोई रास्ता तो फॉलो किया होगा ना। ये तो नहीं कि बिल्कुल सीधा आ गए तो आप कहीं से मुड़े होंगे, कहीं यहाँ टर्न आया होगा, कुछ भी होगा रास्ता, कहीं कितने टर्न आए होंगे, कई जगह आप इधर उधर हुए होंगे, ठीक है। तो वो रास्ता जो एक्चुअल में आपने फॉलो किया उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम क्या कह देंगे, डिस्टेंस कह देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि देखिए मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आई क्या, पहले ये ए से सी तक जाने में ए से बी गया, फिर बी से सी, डायरेक्शन चेंज हुई ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी इसके पास। तो इसलिए डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट अगर बात करें, देखिए लेंथ की यूनिट क्या होती थी याद करिए, और मैंने कहा इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो लेंथ की यूनिट क्या थी, लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, हम पढ़ चुके हैं ये बात। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट होगी इसकी मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ओके। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ा कौन सी, डिस्टेंस, वो होती क्या है, उसमें हमने एक एग्जांपल ले लिए इसका, ठीक है। फिर हमने देखा कि उस यूनिट की किससे डिनोट करते हैं, उसको एक्स से कर लेंगे, एस से कर लेंगे, वाई से, जेड से, आर से, जो सुटेबल होगा जहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने उसकी यूनिट की बात की, तो उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट उसकी होती है मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है उसकी सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, हम पहले इसका एग्जांपल ही लेते हैं, वही सेम सिचुएशन, हम पोजीशन ए पे थे। एक्चुअली पोजीशन ए पे ना दो पर्सन है, पर्सन वन एंड टू। तो पर्सन वन क्या करता है, ये यहां से बी पे गया और फिर उसके बाद वो चला गया सी पे। एक्चुअली दोनों को ए से सी पे ही जाना था, ठीक है, 3 मीटर 4 मीटर, दोनों को क्या करना था, ए से सी पे जाना था। तो हुआ ये कि दोनों ने अलग अलग रास्ता पकड़ा, एक ए से बी होके फिर सी पे गया, और एक ने क्या किया, डायरेक्टली वो ए से सी पे, उसको एक शॉर्ट रास्ता मिल गया, ठीक है, उसने कहा मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा सीधा ए टू सी, राइट। तो ये पर्सन टू का रास्ता है और ये पर्सन वन का रास्ता है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, देखिए जो ए से सी तक गया उसमें देखा कि ये तो शॉर्टेस्ट लेंथ है ना। देखो ए और सी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ए से सी तक जाने के, लेकिन मैं ये कहूं कि ए से सी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे कहां से कहां, ए से सी के बीच में। इससे छोटा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता ए के सी, ए और सी के बीच में।
तो जो पर्सन टू ने फॉलो किया है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ये वाली फाइनल पोजीशन है और ये वाली इनिशियल पोजीशन है, राइट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में दो रास्ते, एक ये वाला है और एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्ले, और हमने देखा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है ए टू सी में, ए से सी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है ना। तो हमारे पास यही डिस्प्लेसमेंट है, देखिए वो तो हम पिछले में भी किए थे, तो ये वाली तो क्या थी हमारे पास, ये तो हमारे पास थी डिस्टेंस ए से सी पे गए, या फिर ये कह दे कोई दो पर्सन नहीं है, पर्सन एक ही है, बोले कि ए से सी पे गया, उससे जाने का रास्ता उसका ए से बी और बी से सी, तो डिस्टेंस कितनी हुई 3+4, तो बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अब उसने चाहे जो रास्ता फॉलो किया हो, हम तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ए टू सी पे ही जाएंगे डायरेक्ट, तो उन ए से सी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है इसके पास, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, लेंथ कहिए या शॉर्टेस्ट पाथ कहिए, एक ही बात है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल्ड नहीं लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि उसने ट्रेवल किया ही हो, ठीक है, हो सकता हो गया ए से बी और बी से सी हो, बट डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ए से सी ही रहेगी डायरेक्ट। इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है, डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई एक्स वैक्टर। इसके पीछे साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, देखिए ए से सी, तो हमारे पास ए सी वैक्टर क्या आया, वो आ गया हमारे पास, देखिए ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना, तो ये 3² + 4 का स्क्वायर, ये टोटल 9 16, ये कितना आ गया 5 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये आ गया 5 मीटर, और ए सी क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, उसको लिख रहे हैं वेक्टर से। देखिए मैग्नीट्यूड तो उसमें भी था 7 मीटर, मैग्नीट्यूड तो उसमें भी था कितना 7 मीटर, लेकिन उसमें क्या नहीं था डायरेक्शन नहीं थी, इसमें भी मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, मैग्नीट्यूड दोनों में ही है लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है एक तरह की डिस्टेंस ही है, बट एक पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन, मतलब पर्टिकुलर उसको ये कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन दे दी गई है, ठीक है, उसको एक हमने जैसे डिस्टेंस की बात की तो कहीं से जाइए ए से सी जाना, आप भाई कहीं से घूम के चले जाओ, जितना ज़्यादा घूमोगे लेंथ उतनी ज़्यादा कवर करोगे, पाथ उतना ही, पाथ लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस उतनी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इस केस में ए से सी डायरेक्ट जाना है आपको, तो ऐसे में इसके पास क्या मिल गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई ए टू सी, तो देखिए हम इसमें क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, अब इसमें जो एक्स वेक्टर है वो है 5 मीटर, अगर डायरेक्शन पूछे तो ए टू सी, डायरेक्शन पूछे तो इसकी क्या है ए टू सी, ठीक है। अच्छा ये बताइए ये है तो लेंथ ही, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई, एक पर्टिकुलर टाइप की लेंथ है ना, है तो लेंथ ही, तो ऐसा यूनिट हुई हमारे पास क्या होगी मीटर, ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होगी हमारे पास सेंटीमीटर, ओके सेम, तो यूनिट सेम रहेंगी डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी, क्लियर। जैसे हम इसको एक दूसरे और एक डायग्राम और बनाते हैं इसका समझने के लिए, देखिए हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म वाला पढ़ा हुआ है याद हो तो,
एक्स है, वाई है, जेड है, ओरिजिन है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या था, इस पोजीशन पे पोजीशन ए, आर वन इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ए से चल के वो चला गया बी पे और इसकी पोजीशन आर टू वेक्टर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि आर वन वेक्टर या आर टू वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। एक्चुअली ए की पोजीशन बता रहा है आर वन वेक्टर। तो ए की पोजीशन बताने का मतलब पता क्या है, ये जो ओरिजिन है ना हमारा, इसके रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें रेफरेंस तो चाहिएगा ना मेजरमेंट के लिए। तो ए की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कौन बता रहा है, आर वन पोजीशन वेक्टर। इसीलिए तो हमने वेक्टर पहले पढ़ा, अब हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी की पोजीशन बताए। और आर वन मैं अगर आपको याद दिलाने के लिए लिखना चाहूँ तो ये ए जो है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2, z2। आपको याद आ गया होगा कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये r2 पोजीशन वेक्टर क्या होता था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना। ये पोजीशन वेक्टर होते थे हमारे पास r1 r2, कुछ रिमाइंड करने के लिए लिखा है मैंने इस, ठीक है। इसीलिए हम वेक्टर पहले पढ़ रहे थे भाई। तो ये जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, ये देखिए ए से बी तक डायरेक्ट चले गए, तो डेल्टा आर वेक्टर, किसी को याद हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था हमारा डेल्टा आर वेक्टर। हमने कितनी चीजें पढ़ी, हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आर वन आर टू थे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर था, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल में वो हो गया डेल्टा आर वेक्टर, नो प्रॉब्लम। बट हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसे ना गया हो, सीधा ए से बी पे नहीं गया, तो फिर वो ऐसे चला गया हो सकता हो, वो गया हो डी आर वन, फिर वो गया हो डी आर टू, और फिर वो आया हो यहाँ पे डी आर थ्री। ए से बी सी डी, मतलब वो ए से सी गया, सी से डी, और डी से फिर बी पे आया, है ना। तो एक्चुअल में देखिए ए से सी के बीच तो डी आर वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सी से डी के बीच में भी डी आर वन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डी से बी के बीच भी डी आर थ्री क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बट हमें चाहिए ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा आर ही होगी, भले ही वो ए से सी डी और फिर बी आया हो, लेकिन हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा आर ही रहेगी। और डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस तो वो हमारे पास क्या होगी, डी आर वन प्लस डी आर टू प्लस डी आर थ्री। तो समझ में आई बात, हमने कोई वेक्टर नहीं लगाया है इनके ऊपर, किस लिए नहीं लगाया, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने हैं हमने, हमने सिर्फ ये लेंथ चाहिए ओनली, क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। या फिर इस केस में हम इसको ऐसा लिख सकते थे डी आर वन वैक्टर प्लस डी आर टू वैक्टर प्लस डी आर थ्री वैक्टर, इनका सम, ठीक। या फिर डेल्टा आर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट सीधा, और ये वाले ओनली मैग्नीट्यूड उठाए, क्योंकि हमें चाहिए थे डिस्टेंस, कहां से कहां, ए के ए और बी के बीच में गया क्या था, रास्ता क्या था उसका, रास्ता था ए से सी, सी से डी, डी से बी। तो हमने ए से सी का लेंथ देखा प्लस सी से डी का लेंथ, डी से बी का लेंथ, सभी को जोड़ दो, वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी वाया सी डी। सी डी से घूम के आने में ए से बी तक जाने जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो क्या होगी, डी आर वन प्लस डी आर टू प्लस डी आर थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, डिस्टेंस है पाथ। अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे देख लें हम, देखो मुझे ये बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगी या कम ज्यादा होंगी किसी एक दूसरे से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो
भाई ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, तो उसको सी पे पहुंचना है, तो हो सकता है कि वो ए से सी भी चला जाए सीधा। तो अगर वो ए से सी गया है तो ऐसे में डिस्टेंस भी 5 मीटर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगी। भाई वो गया ही इसी रास्ते से है ना, कहां से सीधा एकदम, तो ऐसे में तो सीधा तो डिस्प्लेसमेंट भी होती है और उसने पाथ भी तो यही फॉलो किया है, तो पाथ लेंथ डिस्टेंस भी होती है। तो देखिए, और या फिर डिस्टेंस क्या होगी ये वाली, तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, तो जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट रहेगी। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं कब, लिखना चाहे तो देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ। बस अगर वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगी, इक्वल, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आगे हम बहुत ही सिंपल सिंपल से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरह से, ठीक है, और चलिए इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। देखिए, हमारे पास ना जो मोशन होती है ना, उस मोशन के मूव, मतलब ऑब्जेक्ट के जो मूव करने के तरीके हैं ना, कुछ कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी होते हैं। भाई वो सीधा जा रहा है या किस तरह से जा रहा है, घूम के मुड़ते हुए ऐसे जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। और पोजीशन को बताने के लिए, देखिए मोशन में कौन होता है, जिसकी पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन को बताने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट तो ऐसा होता है जो बिल्कुल सीधा चला जाए, ठीक है, जिसको हम, देखिए हम बोलते हैं एक हमारे पास मोशन होती है, मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत ही शॉर्ट में इसको देखेंगे हम, बाकी तो ये समझ में आ जाएगा जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ये जो हम मोशन इन वन डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, जिसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीधा ऐसे जा रहा है, ये है एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये है एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा क्या है एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, देखो एक दो, कोई वाई की जरूरत, जेड की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन वन डायमेंशन इफ इट रिक्वायर्स Only one coordinate to describe its motion, ठीक है। मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है ना, तो हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन है, राइट। जैसे कोई अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। अगर कोई एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है,
तो हमें उसके कोऑर्डिनेट कितने चाहिएंगे, एक ही चाहिए x वाला है, y भी जीरो है और z भी जीरो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे लेता हूं, ये हमारे पास है 100, फिर ये हमारे पास है 200, फिर ये पोजीशन है हमारे पास 300। अब क्या समझ रहे हैं इनसे, ये इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, 0, 0, 0, ओरिजिन है नहीं, ये तो ओरिजिन पे एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो होता है, ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए या देखें हम कि यहाँ से इसकी मोशन को यहाँ तक एक्सप्लेन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जाए, यहाँ भी ओनली एक्स चाहिए, यहाँ भी ओनली एक्स, यहाँ भी एक्स, yz0, 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 तो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D बोलते हैं, ठीक है। अब मोशन जब 2D आएगा तो मोशन इन 2D भी पढ़ेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। तो इस केस में देखिए, मोशन इन 1D समझ में आया ना, जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े हमें, उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D। तो हम मोशन इन 1D ही पढ़ रहे हैं इस पहले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब मैं पोजीशन की बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास देखिए, यहां से यहां तक मुझे ये वाला O है, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ठीक है। अगर मैं कहूं AB क्या है, पहली बात तो AB पे मैंने वेक्टर लगाया, फिर मैंने उस पर मैग्नीट्यूड लगा दिया, ठीक है। मीन्स मुझे सिर्फ ए से बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट का, याद करिए मैंने वेक्टर में कुछ बताया था, अगर मैं सिर्फ ए बी लिख दूं तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये मुझे नहीं पता चल रहा इसको देख के, यही डिफरेंस मैंने तब बताया था आपको, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने इसको ए बी लिखने का मतलब, ए बी ओनली ए बी तो ए बी हो सकता है, यहां से वहां गया, इधर घूम के आ गया, वो भी तो ए बी है, लेकिन मैंने ए बी पे वेक्टर लगाया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो बताइए एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, जब भी हम कोई पोजीशन निकालते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए फाइनल पोजीशन क्या है, मैं इसको एक्स नॉट कह देता हूँ, इसको एक्स वन कह देता हूँ, इसको एक्स टू कह देता हूँ, इसको एक्स थ्री कह देता हूँ, पोजीशंस का नाम है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में है एक्स टू वैक्टर माइनस एक्स वन वैक्टर, क्या हमारे पास ये एक्स टू वैक्टर माइनस एक्स वन वैक्टर, और उसका मैंने क्या लगा दिया, मोड, याद करिए मोड का मतलब क्या बताया था मैंने, और जो वेक्टर का क्या बना दे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो एक्स टू क्या है भाई, टू एक्स टू, क्योंकि वाई और जेड तो क्या है इसमें, जीरो, तो एक्स टू हमारे पास क्या है, टू माइनस एक्स वन क्या है, वन। तो एक्चुअल में हमारे पास ये क्या आ गया, वन मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया इस केस में, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ओ ए निकालिए, अब आप सीधा निकाल सकते हैं ना, ओ ए ये क्या है, ये वही आएगा फाइनल मतलब एक्स वन वैक्टर माइनस एक्स नॉट वैक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब वन माइनस जीरो, वन मीटर आएगा ये ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हर केस में। अब देखिए यहां से ये जो एक्स नॉट है ये कहां, ओरिजिन का, एक्स वन क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, ओरिजिन से। एक्स टू यहां से नहीं है, एक्स टू यहीं से है, एक्स थ्री यहां से नहीं है, एक्स टू एक्स वन से नहीं, एक्स थ्री ये जो थ्री मीटर है ये ओरिजिन से दूर है थ्री मीटर, ये नहीं कि ये बी से थ्री मीटर पे है, हम जो भी डिस्टेंस इससे आगे मेजर करेंगे वो सब इसके रिस्पेक्ट में, कि ओरिजिन के कंपैरिजन में हमारे पास उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, ये क्वेश्चन हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा है ना उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पोजिशन ए टू बी, दिस इज पोजिशन ए एंड दिस इज पोजिशन बी इन ए पाथ एज शोन लाइक दिस। ओके, इफ द पोजिशन वैक्टर आर वन एंड आर टू मेकिंग एन एंगल थीटा, पोजिशन वैक्टर ये आर वन है, ये क्या है आर टू है, मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन दैम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बोलता है कि ए से बी तक वो इस रास्ते से गया, ए का पोजिशन वैक्टर ये है, बी का पोजिशन वैक्टर ये है और आर वन और आर टू के बीच एंगल ये है, राइट पोजिशन वैक्टर है, तो यहां इस तरह से एरो लग सकता है इसमें, देखो ये देखिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सिचुएशन है ए से बी तक आने की, इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये होती है, देखो डायरेक्टली हम यहां से यहां उतर जाएं, ए से बी डायरेक्ट है ना, इसको मैं डिनोट कर देता हूं या तो एस वेक्टर से या फिर डेल्टा आर वेक्टर से। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है ये ए से बी तक का इसका एक्चुअल पाथ था, उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का नाम आते हैं हमारे दिमाग में, तुरंत डेफिनेशन आती है कि ए से बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वो क्या हो जाएगी डेल्टा आर, हमें चाहिए उसका मैग्नेट। अच्छा डेल्टा आर होगा क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, भाई पोजीशन बता कौन रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है ना, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है। तो आज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, जो एक्स वन एक्स टू वो भी क्या थे, एक तरह के पोजीशन वेक्टर ही थे, बट वो वन डायमेंशन था इसलिए डायरेक्ट एक्स वन एक्स टू हमने ले लिया। इसमें आर वन में एक्स वन भी है, वाई वन भी है, जेड वन भी है, ठीक है, इसमें एक्स टू भी है, वाई टू भी है और जेड टू भी है, तो ये हमारे पास पोजिशंस हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमें ये इसका ग्राफिकल वो हमारे सामने, हमें चाहिए इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा डेल्टा आर उसका मैग्नीट्यूड, और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, याद करिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या था, हम इसका क्या लगा दें मैग्नीट्यूड, और डेल्टा आर दो वेक्टर है, एक आर टू है एक आर वन है, पोजीशन वेक्टर वेक्टरी तो होता है, दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या आएगा देखो, आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर है ना, ऐसे ही था ना, ए माइनस बी कैसे करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब माइनस टू आर टू आर वन ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ थीटा, और उसके ऊपर लगा देते थे अंडर द रूट। हमें बस यही बताना था इसमें, इससे ज्यादा हम बता भी नहीं सकते। अब ये कैसे पहुंचा आर टू माइनस आर वन, इसके लिए आप अपने नोट्स उठाइए और पीछे पलट के देखिए कि हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या पढ़ा था। अगर हम एंगल लेते थे थीटा ही तो यहां क्या लगाते थे माइनस, और अगर हम एंगल लेंगे, देखो मैंने करना है आर टू माइनस आर वन, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, आर टू माइनस आर वन क्या होगा, आर टू में आपको ऐड करना है किसको, माइनस आर वन को, तो ये हमारे पास क्या माइनस आर वन हुआ, क्या ये एंगल 180 माइनस थीटा हुआ, तो अगर यहाँ पे आप 180 माइनस थीटा तो ले रहे हैं एंगल, तो यहाँ पे आप प्लस करिए, और अगर आप ये वाला थीटा ही ले रहे हैं तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, कुछ भी नहीं था यहाँ इसमें सॉल्व करने को, बस समझने की वो थी कि हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ए से बी जाने का रास्ता तो ये था, एक्चुअल में ये तो इसकी डिस्टेंस होगी,
उसने पूछा क्या, ए से बी तक जाने का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बस हमें कुछ नहीं देखना कि वो किस रास्ते से आया कैसे आया, कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फाइनल देखना है कि वो कहां पे है, इनिशियल देखना है वो कहां पे था, ठीक है। तो फाइनल वेक्टर माइनस मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पोजीशन कौन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर बता रहा है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल आर टू माइनस आर वन। अब इसका क्या चाहिए हमें, इसका चाहिए हमें मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ऐसे ही तो निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन या मतलब ये कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमारे पास मान लीजिए कोई एक सर्कुलर पाथ है, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हमारे सामने, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से चलता है, पोजीशन बी पे पहुंचता है, फिर वो सी पे, फिर वो डी पे और वापस ए पे आ जाता है। ए से चला, इसमें मोशन क्या है, देखिए क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, ये यू आर गिवन मोशन, गिवन ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड कम्स बैक टू ए, ओके, वाया बी सी एंड डी। इसका मतलब है कि वो ए से स्टार्ट होकर के ए पे ही वापस आ जाता है। तो ए से स्टार्ट किया, ए पे ही वापस आ गया, और कहां से होके आया भाई, वो बी सी और डी से होके आया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है, देखिए पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यही हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है बिटवीन ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, राइट। एंड ए टू ए, ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई हमें, ए से बी, ए से सी, ए से डी और ए से ए में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप ये मान लीजिए कि ये वाला पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये इसका फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट है ए से बी, राइट। तो भाई हमारे पास ए से बी जाने का ये रास्ता है, तो ये टोटल सर्कल का कौन सा हिस्सा है, मैंने कहा कि ये मान लो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, ए से बी लिख देते हैं इसको, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, टोटल जो लेंथ है ना इस सर्कल की वो 2πr होती है सर्कमफ्रेंस, उसका ये कौन सा हिस्सा है, 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट है ना ए से बी, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा पाई आर बाई 2 मीटर एक तरह से। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास डिस्टेंस आ गई ए से बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मींस आपको ए बी वेक्टर चाहिए भाई। ए बी वेक्टर क्या होगा एक्चुअल में, देखिए ए बी वेक्टर होगा यहां से ये डिस्टेंस, ए बी वेक्टर है ना। तो उसके लिए देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर, ये वाली कितनी है आर, रेडियस है नहीं, तो
तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ओ ए बी। देखो ओ ए बी एक्चुअल में आपके पास अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें हम तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए वैसे मैं इसको लिख देता हूं पहले, ये वाला हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है ये एक ट्राइंगल बनी ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास सिचुएशन ये आ गई कि ये वाला आर परपेंडिकुलर मान लो इसको बेस मान लो जो मर्जी, तो आर और आर ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस ये परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर ये बेस एक ही चीज है। ठीक है तो ऐसे में हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट हाइपोटेन्यूस होता है। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा देखिए टू आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आएगा रूट टू आर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये, डायरेक्शन क्या होगी ए टू बी ऐसे लिख देंगे ए टू बी डायरेक्ट ए टू बी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया। ठीक है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए ये रेडियस है हमें पता चल चुका है इसका रेडियस कितना है आर। नेक्स्ट पार्ट में ए टू सी, देखिए ए टू सी अब ये यहाँ पहुँच गया है, तो सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस क्या होगी ए सी, वो क्या होगी आधा ना टू पाई आर का हाफ कर दो तो ये आ जाएगा टू पाई आर बाई टू मतलब पाई आर। तो ए सी सिंपल क्या आ गया पाई आर, ए टू सी में जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया पाई आर आ गया है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा देखो, डिस्प्लेसमेंट भाई ए से सी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा ए से सी में, देखिए यहां से डायरेक्ट यहां पे ए टू सी। ठीक है अब ए सी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए सी वेक्टर देखिए ये वाला आर ये वाला आर तो टोटल क्या हो गया टू आर सिंपल है, और वो क्या हो जाएगा ए टू सी, डायरेक्शन बता रहा हूं लास्ट में ए टू सी। भाई ए से सी पे इस रास्ते से गया ना घूम के, ये तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस हो गया, तो जो टोटल सर्कमफ्रेंस उसका आधा तो कवर कर लिया इसने, तो टू पाई आर का हाफ कर दो तो टू पाई आर का हाफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास पाई आर आ जाएगा। लेकिन उसे अब डिस्प्लेसमेंट ए से सी जाने में तो सीधा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इसका डायमीटर ही तो है ये ए से सी, इस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा आर प्लस आर टू आर हो जाएगा। ठीक है तो ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट क्या कहता है सी टू ए नहीं सॉरी ए टू डी, ये हमारा डी था यहाँ पे ए टू डी, भाई ये इस रास्ते से आ रहा है ऐसे घूम के ना, तो पाई आर पाई आर पाई आर टोटल कितना सॉरी पाई आर नहीं पाई आर बाई टू, ये वाला पाई आर बाई टू, ये वाला हिस्सा पाई आर बाई टू, ये वाला भी पाई आर बाई टू और ये वाला भी पाई आर बाई टू, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे डिस्टेंस में जो हमारा ए डी है वो आ जाएगा थ्री इंटू पाई आर बाई टू, तीन पाई आर बाई टू हो गए ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए से सी तक जाने में पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू, तो टोटल आ गया हमारे पास ए डी वो आया थ्री पाई आर बाई टू, ये डिस्टेंस आ गया क्लियर। अब हमें क्या चाहिए ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब वो किस रास्ते से भाई गया है हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ किस चीज से मतलब है, हमें अगर मतलब है तो सिर्फ इससे मतलब है कि वो ए से डी डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन, ए से डी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये देखिए ये भी आर फिर से एक ट्राइंगल बन गई, सेम रिजल्ट आएगा ए से बी ए से डी है ना। देखिए चला यहां से था वहां से घूम के आया लेकिन फिलहाल तो यहां है ना, तो इनिशियल ये था फाइनल ये, तो हमें तो इनिशियल और फाइनल से लेना देना है ठीक है डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए डी, ओके, और वो क्या आएगा देखो, ए डी फिर से सिंपल हमारे पास वही आ जाएगा, ये रहा रूट टू आर, वही आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर, ठीक है, और यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी, और ए टू डी डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट के ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो रूट टू आर है, और डायरेक्शन की बात की जाए तो ए टू डी, साथ बता दिया मैंने इधर, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना हो ना तो ए ए डी वैक्टर पर क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है ए टू ए, ए टू ए डिस्टेंस क्या होगा ए टू ए में, देखो ए से चला एक चक्कर लगा के पूरा ए पे आ गया, तो ऐसे में डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, सिंपल, ठीक है। तो हमारा ए टू ए में डिस्टेंस हो जाएगा, ए से ए ही कर देते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ए से ए वापिस, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भाई फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है बताइए, ए से ए में, अरे भाई इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल क्या है, ए है, तो क्या आएगा जीरो, मतलब जहां था वहीं आ गया ना वापस, तो इनिशियल भी वही और फाइनल भी वही। तो देखिए कंप्लीट सर्कल पूरा करने में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे आ गया। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है टू पाई आर, इसकी जो लेंथ है, जो सर्कुलर पाथ है ना इसका, इसकी जो लेंथ है, क्योंकि जो पाथ की लेंथ होती है ना वही हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो पाथ की लेंथ क्या है हमारे पास, वो है ए से ए 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एक दो हमने देखे। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी में से हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। देखिए अगर मान लो पोजिशन ए है और ये पोजिशन बी है, ठीक है, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, इसके अलावा और कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक हो गया। डिस्टेंस कहता है कि डिस्टेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है, कैसे हो सकता हो, यहां से चला जाए, हो सकता हो यहाँ से जाए, हो सकता हो इधर से चला जाए, जहाँ मर्जी वो यहाँ से जाके ऐसे ऐसे घूम के यहाँ बी पे आ जाए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के, और उन्हीं पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं दो पॉइंट्स के बीच में, जिनको हम इनिशियल और फाइनल पोजिशन कह रहे हैं, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए ए से बी के बीच में, तो वो यूनिक होती है, ठीक है, एक ही वैल्यू हो सकती है सीधा, बस और कोई नहीं। फिर कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं हो सकती, हम मूविंग की बात कर लें तो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और जीरो, जीरो भी कह सकते कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है ना तो उस केस में डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, क्लियर। ये केस आपके सामने है, देखिए ओ से ए तक गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओ टू ए, चलिए ओ टू ए में देखो डिस्प्लेसमेंट, मैं सीधा इसमें एक्स वेक्टर लिख रहा हूँ भाई, आप समझ जाना, ये क्या है 5 मीटर है, O टू A में क्या है 5 मीटर है, क्या डिस्प्लेसमेंट, और x क्या है ये भी 5 मीटर ही है, x ओनली मैंने वेक्टर नहीं लगाया ना, तो ये डिस्टेंस हो गई। अच्छा अब मैं लिखता हूं इसके अंदर O टू O टू O वाया A, देखो O से ए पे गया और फिर वापिस ओ पे ही आ जाता है, इस केस में देखो ओ टू ओ वाया ए, इसको देखो इसमें एक्स क्या हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ भाई, ओ से चला
वापिस ओ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। और डिस्टेंस क्या हुआ? 5 + 5 = 10 meters। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। ओ से ए तक जाने में 5 meters डिस्प्लेसमेंट था, 5 meters डिस्टेंस, बट ओ से वापिस ओ पे आने में डिस्टेंस तो 10 meters हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में? जीरो। अब हम क्या करें? ओ टू सी वाया ए, एक और पाथ चूज किया हमने, ओ से सी तक जाना है वाया ए, मतलब ओ से ए पे आइए, ए से ओ पे जाइए, फिर सी पे जाइए। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो भाई, यहां तक आए जीरो वापिस। अब हम ओरिजिन, हमारा क्या, एक तरह से ये ओरिजिन था हमारा, क्या ये ओरिजिन, ओरिजिन को क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे हैं, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव साइड। देखो और कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं ना, ये ओरिजिन तो इधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से यहां तक का ये -2 होगा। देखिए यहां गया, वापिस आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो यहां तक, फिर ये इधर जा रहा है, तो अभी तो इनिशियल पोजिशन ये है और फाइनल ये है, तो इनिशियल फाइनल के बीच में गैप तो है, तो वो स्ट्रेट लाइन 2 meters की है, लेकिन वो क्या होगी? माइनस, नेगेटिव ऑफ 2 meters। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में। और डिस्टेंस इजिली इसके अंदर देखिए कहां लिखूं, चलिए यहीं लिख देता हूं, डिस्टेंस इजिली 5 + 5 + 2 = 12 meters। जितना चला उतना जोड़ दो, कितना चला है टोटल? 12 चला है ना, 5 + 5 + 2 = 10 = 12 meters। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा। हाँ, डिस्टेंस है वो इक्वल भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है वो इसी रास्ते से गया हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए इसमें, क्लियर। अदरवाइज डिस्टेंस क्या रहेगी? ज्यादा। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम एंड नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। ठीक है, ये वही उन्हीं में आ गया पॉइंट वैसे तो, कि मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा और जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ, ये देखिए ओ से आया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर वापिस जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके।